नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं अविनाश राय जी, जो कि एक ज्योतिषी हैं और एक बहुत बड़े आचार्य हैं। आज हम उनसे नवरात्रों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। आचार्य अविनाश राय जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चैत्र मास के इस नवरात्र की महिमा क्या है। ऐसे तो साल में चार नवरात्र आते हैं, तो इस मास को विशेष क्या बनाता है? नवरात्रि को लेकर के हमारे अष्टादश पुराण, जो 18 पुराण हैं, सभी पुराणों में कहीं ना कहीं नवरात्रि को लेकर के उल्लेख मिलता है। नवरात्रि का मतलब नौ रात्रियां। रात्रि का समय जो है वो साधना का होता है, शक्ति संचय का होता है, शक्ति एकत्र करके निर्माण के कार्य में लगने का होता है। पूरे 12 महीनों में 6-6 महीने पर जब ऋतु परिवर्तित हो रही होती है, जब एक ऋतु आकर के दूसरी ऋतु जा रही होती है, या एक ऋतु जाने वाली होती है दूसरी ऋतु आने वाली होती है, तो इस ऋतु परिवर्तन के संधि काल में प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता होती है कि वो शक्ति का संचय करे। यदि शक्ति का संचय वो नहीं करता है तो तमाम तरीके की बीमारियां, तमाम तरीके की दिक्कतें और मौसम से उत्पन्न हुई परेशानियां और दिक्कतें उसको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए एकांत में रह करके, साधनारत रह करके, साधना करके, और वो भी किसकी? शक्ति की साधना, ताकि वो शक्ति अर्जित कर सके। तो शक्ति के अर्जन के लिए ये दो पर्व हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया, एक वासांतिक नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। तो ये दोनों नवरात्रियां ऋतुओं के संधि काल में आती हैं, इस कारण से इनका विशेष महत्व है। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि इस वक्त हम नारी के स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी हैं। तो आप हमें इन स्वरूपों का आध्यात्मिक अर्थ समझाइए। नारी के स्वरूप को समझना और समझाना द्वैत और अद्वैत दोनों दर्शन से परे की चीज है। इसलिए संतों ने एक शक्ति संप्रदाय की भी रचना किया, जिसको शाक्त संप्रदाय कहते हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो भगवती को समझने के लिए या नारी को समझने के लिए, वो तो स्वयं शक्ति रूपा है, वो तो सृजन करती है। कैसे सृजन करती है? आप पृथ्वी में एक बीज डालते हैं तो वो बीज जो है वो अन्न के रूप में प्रकट होता है। आप फल का बीज डालते हैं तो आपको लाखों लाखों फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से मनुष्य के सृजन के लिए देवियों की रचना की गई, कहीं भगवती शैलपुत्री के रूप में, कहीं कुष्मांडा के रूप में, कहीं कात्यायनी के रूप में, कहीं ब्रह्मचारिणी के रूप में। वो करती क्या है? वो सृजन ही तो करती है, और किसका? इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करती है। तो इस कारण से इसके जो मूल स्वरूप हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक सृजन करने वाला, एक पालन करने वाला और एक श्रृंगार करने वाला। तो भगवती काली के जिम्मे जो है वो श्रृंगार है, बैलेंस है प्रकृति का। लक्ष्मी जो है आपका भरण पोषण करने वाली है, और सरस्वती जो है आपके भीतर सृजन की शक्ति प्रदान करती है। तो आपका पालन, पोषण, सृजन और श्रृंगार, ये तीनों कैसे चलेगा? ये तीनों देवियों के आश्रय ही चलता है। इस कारण से इन तीनों देवियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, और इन्हीं की साधना करके मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करते हुए देवत्व को प्राप्त कर सकता है। अच्छा। दुर्गा जी को कई जगह पे प्रधान देवता भी कहा गया है, 5 महादेवताओं में से उन्हें एक माना गया है, ऐसा क्यों? सनातन धर्म में जब तमाम तरीके की विकृतियां आ रही थी, बहुवाद प्रकट हो रहा था, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात हो रही थी, तो उस समय ऋषियों ने, संतों ने, धर्माचार्यों ने मिलकर के पंच देवो उपासना का एक मार्ग निकाला। पंच देव उपासना में हम गणपति की उपासना करते हैं, हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम विष्णु की उपासना करते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। अब पांचवा, भगवती की उपासना, शक्ति की उपासना। जब तक शक्ति की उपासना नहीं होगी तब तक देव उपासना का क्रम अधूरा रह जाता है। इस कारण से
शक्ति की उपासना को प्रमुखता दी गई है। अच्छा आचार्य जी, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों की शुरुआत में सारे पंडित मिलकर माँ की सवारी का पता लगाते हैं और इससे वो कई सारे विश्लेषण निकालते हैं, तो हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझाइए और ये बताइए कि इसका महत्व क्या है। भगवती की पूजा, हम लोगों का जो देश है ना, वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, अलग अलग संस्कृतियों में बटा हुआ है। तो भगवती की पूजा का जो एक क्षेत्र है हमारे देश में, वो बंगाल का प्रांत माना जाता है कि बंगाल जो है वो पूरा शैव शक्ति की उपासना का स्थल है। तो शक्ति उपासना के स्थल पर बंगाल के लोगों ने एक प्रक्रिया ईजाद किया कि सात वारों में से जिस वार में भगवती आती है, मतलब नवरात्रि का जो प्रथम वार होगा, उससे उसका रथ तय होगा। सोमवार के दिन जो होगा वो डोला पर आएगी, मंगलवार के दिन होगा घोड़े पर आएगी, बुधवार के दिन होगा हाथी पर आएगी। तो सात वारों के हिसाब से अलग अलग वार में भगवती अलग अलग वाहन को चुनती है और उस वाहन पर सवार होकर के आती है। भगवती का जो मूल वाहन है वो तो सिंह है, लेकिन वार के जो वाहन है उन वाहनों को जब भगवती अंगीकार करती है तो उस वाहन की गति से वो प्रवेश करती है कहाँ, पूरे ब्रह्मांड में। तो 6 महीने तक इस वाहन का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर या पूरे उस रीजन पर या पूरे उस जोन पर या पूरे उस पृथ्वी के भूखंड पर पड़ता है। उसी के प्रभाव का अध्ययन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने या धर्मवेत्ताओं ने, जो बंगाल में ये परंपरा चलती है वो बंगाल की परंपरा अब पूरे देश में व्याप्त हो गई और सभी लोग भगवती के वाहन से ये पता लगाते हैं कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। आचार्य जी, नवरात्रों में हम ये जानते हैं कि हम दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो हमें संक्षेप में ये बताने की कृपा करें कि वो 9 स्वरूप क्या है और उनका उनकी आध्यात्मिक महत्ता क्या है। कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च महागौरीति अष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च। ये भगवती के 9 स्वरूप हैं। ये 9 स्वरूप कैसे हैं, इसका जब आध्यात्मिक रूप से अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि ये पूरा मनुष्य का जो शरीर है वो 7 धातुओं से बना हुआ है। 7 धातुओं के अलावा जो मनुष्य के भीतर जीवात्मा है और मन है, ये इन 7 धातुओं से परे की चीज है। तो 7 और 2 9। तो भगवती अपने 9 रूपों में आपके शरीर के भीतर के 7 धातुओं को संतुलित करती है। आप उस जब साधना करते हैं उसके अलग अलग स्वरूप की, तो वो आपके शरीर के अलग अलग धातुओं को संतुलन प्रदान करती है। तो जब धातु आपके शरीर की संतुलित होगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपके मन पर भगवती का प्रभाव होगा तो मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, और जब आपके आत्मिक शक्ति को भगवती शक्ति प्रदान करती है तो आत्मा का बल आपका बढ़ता है और आप सन्मार्ग पर चल पड़ते हैं, आप देवत्व को प्राप्त करते हैं, आपके भीतर दैवीय गुणों का विकास होने लगता है, जिसके कारण से पूरे समाज में शुचिता, पवित्रता, एकात्मता, विश्वबंधुत्व, भाईचारा, सब में समानता का भाव व्यक्ति के भीतर आता है और वो व्यक्ति समाज के लिए एक कल्याणकारी बन करके जीता है। अच्छा आचार्य जी, हमें अब ये बताइए कि ऐसा देखा गया है कि देश में कुल 52 शक्तिपीठ है, एक तो हमारे प्रयागराज में ही है आलोपी माता। आप हमें ये बताइए कि इन शक्तिपीठों की संख्या 52 होने के पीछे क्या कारण है। भारत सहित बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भी इस भूभाग में शामिल हैं। 52 शक्तिपीठों में आपके कुछ शक्तिपीठ नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं और पाकिस्तान में हैं। भगवती हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में बड़ी प्रमुखता से हमारे हिंदू भाई वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए और वहां से काफ़ी समर्थन भी मिलता है। वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वो जगह है और बलूची लोग बहुत सहयोग करते हैं हमारे दर्शनार्थियों का। 52 होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जब भगवान शिव भगवती के शव को लेकर के और ब्रह्मांड में जब विचरण करने लगे तो ऐसा लगने लगा कि इस ब्रह्मांड में महाप्रलय होने वाली है। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से भगवती को
भगवती के शव को विच्छेदित करना शुरू किया। उसको नष्ट करने के निमित्त उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन चलाया तो अलग अलग अंग 52 स्थानों पर गिरे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक कथानक प्राप्त होता है कि ये 52 स्थानों पर कहीं पर उंगली गिरी, कहीं पर बाह भुजा गिरी, कहीं पर मस्तक गिरा, कहीं पर कटी भाग गिरा। जैसे कामाख्या में कहते हैं कि भगवती का कटी का भाग, कमर के नीचे का भाग वहां पे गिरा। तो सृजन के लिए जो सृजन की भगवती है वो कामाख्या है, काम रूप में रहती है। तो 52 के पीछे का जो रहस्य है वो यही है कि चक्र सुदर्शन से भगवान विष्णु ने 52 हिस्से उस शरीर के किए और वो शरीर अलग अलग जगहों पर गिरा। जहां भी गिरा वो शक्ति स्थल के रूप में हो गया और वहां से शक्ति प्रस्फुटित होती है तो वहां साधक जाकर के शक्ति प्राप्त कर पाता है। आचार्य जी, नवरात्रों में हम जहां तक जानते हैं कई जगहों पे बलि चढ़ाने का भी प्रावधान है, तो आप इसे कितना सही मानते हैं और इस विषय में शास्त्रों का क्या निर्देश है? जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं, जहां पर बुद्धिस्टों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, वहां तो निर्दोष जीवों को पकड़ के उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी। बलि की प्रथा मुझे लगता है या धर्म ग्रंथों के अध्ययन से पता लगता है कि बुद्धिस्टों के काल से चली आ रही है। बुद्धिस्टों ने बहुत ज्यादा बलि को महत्व दिया, मांसाहार को बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो बुद्धिस्टों के प्रभाव के चलते जो बुद्धिस्ट के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बलि की परंपरा अभी आज भी चली आ रही है। कुछ गुपचुप तरीके से करते हैं, कुछ सरेआम करते हैं, लेकिन जो शास्त्र संगत बात है, जो तर्क संगत बात है कि भगवती किसी भी निर्दोष की बलि नहीं मांगती है, उससे वह नहीं प्रसन्न होती है क्योंकि उसने उसका सृजन किया है। भगवती उससे प्रसन्न नहीं होती है। ऋषियों ने उसके लिए बताया कि आप उड़द और दही मिला करके आप बलि दे दीजिए, आप जायफल की बलि दे दीजिए, आप नींबू की बलि दे दीजिए। तो बलि के विभिन्न प्रकार हैं और इस प्रकार की बलि से भगवती को प्रसन्नता प्राप्त होती है, औषधियों से प्रसन्नता प्राप्त होती है, फलों से प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो दाढ़ी में अनार का जो फल है उसकी भी बलि चढ़ाई जाती है। तो बलि के पीछे, बलि के पीछे पशुओं की बलि नहीं, बलि के पीछे जो तर्क संगत है, शास्त्र संबद्ध है, वो होना चाहिए। तो शास्त्रों में बलि का अर्थ क्या है? ऐसे बलि का अर्थ है कि एक ऐसी वस्तु जिसके भीतर जीव है और वो सृजन कर सकता है, उससे सृजन हो सकता है, उससे निर्माण हो सकता है, वो भगवती को समर्पित करना। बलि का सिर्फ इतना सा मतलब है। अच्छा आचार्य जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ श्री राम की भी उपासना होती है, आप हमें इस कथा को संक्षेप में सुनाने की कृपा करें। इसके लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र जी के पैदा होने से पूर्व वाल्मीकि रामायण लिख दिया था। नवमी तिथि मधुमास महीना, उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि नवमी तिथि थी और चैत्र का महीना था और दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए। तो भगवान राम के प्रकट होने का यह दिवस है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कितना खुश होता है, कितने तरीके के सेलिब्रेशन करता है। तो हमारे तो आराध्य हैं पूरे आर्यावर्त के, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देव भगवान राम हैं और उनका जन्मदिन है नवमी के दिन, इसलिए इतना हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मनाता है नवमी को और मनाना भी चाहिए। आचार्य जी, रामनवमी के अलावा भी एक कथा बड़ी प्रचलित है कि जब श्री राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने दुर्गा जी की उपासना की थी, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए, शक्ति अर्जन के लिए सभी देवी देवताओं की उपासना किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भगवती की पूजा मनुष्य ही नहीं देवता भी करते हैं। तो भगवान राम ने शक्ति सृजन के लिए, शक्ति अर्जन के लिए, रावण एक महाप्रतापी था, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और शक्ति स्वरूपा भगवती सीता स्वयं लंका में थी, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान ने शक्ति का अर्जन के लिए भगवती की साधना किया है, इसके शास्त्रों में उल्लेख है। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि
ऐसा कई बार देखने को मिला है कि स्त्रियों का सम्मान जो है वो सिर्फ नवरात्रि तक ही सीमित रह जाता है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? स्त्रियों का सम्मान केवल नवरात्रि तक ही सीमित नहीं रहता, एक सामान्य नवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति, उसको भी नहीं पता है कि हम नवरात्रि के दरमियान स्त्रियों का कैसे सम्मान करें, इसलिए कि धर्माचार्य इस पर बोलते नहीं हैं, या वो लोग बोलते हैं जो स्त्रियों के साथ रहते ही नहीं हैं, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर रखा है, जो संत वेश में हैं, जो सन्यासी हो गए हैं, जो ब्रह्मचारी हो गए हैं, जिनका गृहस्थ आश्रम है ही नहीं, तो वो जब उपदेश देते हैं तो उसको व्यक्ति सुनता नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो जो भी आपके पास आपकी बिटिया है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी अर्धांगिनी है, ये भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूप में आपके साथ निवास करती है, और केवल नवरात्रि भर ही नहीं, आपको पूरे वर्ष पर्यंत उसके भीतर देवी के स्वरूप का दर्शन करने की अभिलाषा होनी चाहिए, आपके भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप जान पाएं कि ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये सरस्वती स्वरूपा है, ये काली स्वरूपा है, ये मेरी रक्षा कर सकती है, मेरा सृजन कर सकती है, ये मेरा घर संभाल सकती है। तो नवरात्रि में तो किस जितने भी व्रत रहने वाले लोग हैं, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इस बात को बड़ी प्रमुखता से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग व्रत करने वाले हैं इस समय सर्वाधिक गुस्सा स्त्रियों पर करते हैं। घर की पूजा करके जब उठते हैं तो शरीर पूजा के मंत्रों से चार्ज रहता है, और उस चार्ज में उनको भगवती का वो स्वरूप जो उन्होंने पूजा में देखा है, सिर्फ उसको ध्यान में ही देखना चाहते हैं, मस्तिष्क में देखना चाहते हैं, साक्षात भगवती स्वरूपा जो खड़ी है उसमें नहीं देख पाते हैं, तो उनकी अज्ञानता की वजह से इस प्रकार का कृत्य होता है। वो अपने घर की स्त्रियों में भगवती को नहीं देख पाते हैं, अपने आसपास की स्त्रियों में भगवती के स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। ये केवल नवरात्रि भर ही नहीं, ये पूरे वर्ष भर होना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री के भीतर वो शक्ति स्वरूपा है। सर्व स्त्रियेषु शक्तिनाम सर्वभूते सनातनी, जो स्त्री नाम की शक्ति है उसके भीतर भगवती सभी प्रकार की शक्तियां लेकर के रहती है। तो आप जिस भी कामना के निमित्त उसको देखेंगे, अगर आप अर्धांगिनी के निमित्त देखेंगे तो उससे सुंदर दुनिया की कोई कृति आपको नहीं दिखाई देगी। अगर उसके भीतर आप वात्सल्य की भाव लेकर के जाएंगे तो मां से सुंदर दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर आप बहन के रूप में देखते हैं तो इतनी बढ़िया सहयोगिनी और इतना खुल के टूट के प्यार करने वाली लड़की इस दुनिया में नहीं मिल सकती है। तो भगवती के स्वरूप को आप देखते कैसे हैं जी? आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, तो उस दृष्टि के लिए केवल नवरात्रि ही नहीं, नवरात्रि के बाद भी। आचार्य जी, माना जाता है कि नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाद पाठ का बहुत महत्व होता है, ऐसा क्यों? भगवती की उपासना का सबसे सशक्त अगर कोई ग्रंथ है इस पृथ्वी पर तो मार्कंडेय पुराण से निकाला गया दुर्गा सप्तशती ही है। दुर्गा सप्तशती से बढ़कर के भगवती की उपासना करने के लिए दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं, आप जाओगे कहां? और भगवती के सभी स्वरूपों की सांगो पांग उसमें वर्णन है, व्याख्या है, स्तुति है। अगर कोई मनुष्य उस पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता है तो क्या नवरात्रों में उसे किसी खास तरीके से उसका पाठ करना चाहिए? भगवती की उपासना के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है कि सर्व स्त्रियेषु शक्तिनाम सर्वभूते सनातनी, सभी स्त्रियों में उस भगवती का स्वरूप देखने की चेष्टा करें, एक बात। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ नहीं कर सकता तो गीता प्रेस से प्रकाशित जो दुर्गा सप्तशती है उसके पहला जो अध्याय है वो सप्त श्लोकी दुर्गा है, उसमें केवल 7 श्लोक हैं, उन 7 श्लोकों को भी पढ़ के वो पूजा अपनी पूरी कर सकता है। उससे ज़्यादा करना चाहता है तो कवच कीलक अर्गला का पाठ करे, नवारण मंत्र का जाप करे, ये छोटा है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र कर ले अगर पाठ नहीं कर सकता तो, और जो पाठ कर सकता है वो सांगो पांग पाठ करे। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि नवरात्रों में भिन्न भिन्न समुदाय हैं, सब मानते हैं कि कोई मानता है कि व्रत करना चाहिए, कोई मानता है कि हम ऐसे ही ठीक हैं, तो व्रत का क्या महत्व है नवरात्रों में?
देखिए फिर वही बात आ गई घूम के कि ऋतु का संधि काल है। ऋतु के संधि काल में आप अपने शरीर को मजबूती कैसे प्रदान करेंगे जी? आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आपने कोरोना काल में सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए जी, कैसे बढ़ती है? आप जब उपवास रहते हैं, आपके भीतर जब शरीर के भीतर जब खाने की चीजें नहीं पड़ती हैं, तो शरीर के भीतर की जो इंद्रियां हैं वो जागृत अवस्था में आ जाती हैं। तो आपको अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको उपवास करना चाहिए। लेकिन व्रत जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। व्रत क्या है? इंद्रियों का निग्रह, आंख पर, नाक पर, कान पर, जिभ्या पर, हम गुस्सा ना करें, हम गलत बात ना सुने, हम गलत बात ना कहें, हम किसी से द्वेष ना रखें, हम किसी की निंदा ना करें, ये इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। व्रत का मतलब ये होता है। सर आपने ये बताया कि व्रत का मतलब ये होता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो लोग व्रत करते हैं वो फलहार के नाम पर भी काफी कुछ ले लेते हैं, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि व्रत और उपवास दोनों में अंतर है। उपवास किस लिए? शरीर के शोधन के लिए। आप जब उपवास करेंगे तो आपके जो शरीर के भीतर की इंद्रियां हैं वो जागृत होंगी, वो आसानी से आपके खाए हुए चीजों को पचाने के लिए मजबूती प्राप्त कर लेंगी। और जब आप व्रत रहते हैं तब आप अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं, उन पर काबू करते हैं, इससे आपकी शक्ति बढ़ती है। तो शक्ति प्राप्त के लिए इंद्रिय निग्रह और उपवास किस लिए? अपने शरीर के शोधन के लिए। तो हमको चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं या मन और आत्मा के लिए कर रहे हैं। मन और आत्मा के लिए कर रहे हैं तो आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको उपवास रखना चाहिए। आचार्य जी कहा जाता है कि देवी दुर्गा जो है वे जगत जननी है, तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस छोटे से उपाय से वे अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं इस नवरात्र में। मुझे लगता है कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बार बार रिपीट हो रही है, भगवती की प्रसन्नता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने आसपास की सभी स्त्रियों का यथोचित सम्मान कीजिए, कभी क्रोध भरी उनसे वाणी मत बोलिए, ये सबसे बड़ा उपचार है। अगर आप बहुत जगहों से पीड़ित हैं, कहीं काम नहीं बन रहा है, और आपकी माँ अगर घर में जिंदा है तो उसके पैरों की धूली माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की माताएं नहीं हैं वो मंदिर जाएं, और मंदिर में भगवती के आसपास जो धूल मिल जाए या उसके चरणों में थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थना करें कि हे शक्ति स्वरूपा हम पर प्रसन्न होइए। स्त्रियों से कभी भी आप दुर्व्यवहार न करें, आपके जीवन में अपने आप शक्ति संचय होने लगेगा और भगवती आपका मार्ग प्रदर्शित करने लगेगी। आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे अब कि आप आज की नारियों को अपने अंतःकरण की दुर्गा को जागृत करने के लिए क्या प्रेरणामय संदेश देना चाहेंगे? देखिए बार बार कहा गया है कि सर्व स्त्रिय शक्तिनाम सर्वभूते सनातनी, सभी स्त्रियों में उसी भगवती का वास है, वही भगवती शक्ति रूप में निवास करती है। तो शक्ति को भी संतुलन में रहने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ता है, भगवान शिव की उपासना करनी पड़ती है, ताकि आपके पास जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बिखरे ना, उसका दुरुपयोग ना हो, वो विप्लवकारी ना हो, वो विध्वंसकारी ना हो। तो आपको संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने मन मस्तिष्क को काबू में रखने के लिए भगवती के शांत स्वरूप की, भगवती के निर्मल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उग्र स्वरूप की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, इसके साथ ही आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे आचार्य अविनाश राय जी, जिन्होंने नवरात्रों के ऊपर हमें काफी सारी विस्तृत चर्चा में काफी कुछ समझाया। ऐसे ही कई दिग्गज और लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञावत्सल मिश्रा।